हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिफ्थ स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम सेट 53 सॉल्व करेंगे। उससे पहले स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं? ओके, स्क्वायर नंबर मतलब क्या होता है? एक नंबर को अगर हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें स्क्वायर नंबर मिल जाता है। यहाँ पे देखो, वन का स्क्वायर क्या होता है? वन को अगर हम वन से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वन का स्क्वायर है वन। टू को टू से ही मल्टीप्लाई करेंगे, टू टू जार फोर, तो यहाँ पर टू का स्क्वायर है फोर। थ्री से हम थ्री को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री का स्क्वायर है नाइन। स्क्वायर नंबर मतलब एक नंबर को उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके आपको जो नंबर मिलता है उसे हम स्क्वायर नंबर कहते हैं। अभी देखो, फोर मल्टीप्लाई बाय फोर इक्वल टू फोर, फोर जार सिक्सटीन, तो यहाँ पे सिक्सटीन स्क्वायर नंबर है, बट किसका स्क्वायर है? फोर का स्क्वायर है। अभी देखो, फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव इक्वल टू ट्वेंटी फाइव, तो यहाँ पे ट्वेंटी फाइव भी स्क्वायर नंबर है। नेक्स्ट, सिक्स को सिक्स से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स का स्क्वायर आता है थर्टी सिक्स, एंड थर्टी सिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर नंबर। बाद में सेवन मल्टीप्लाई बाय सेवन, सेवन सेवन जार फोर्टी नाइन। एट मल्टीप्लाई बाय एट इक्वल टू एट, एट जार सिक्सटी फोर। नेक्स्ट, नाइन मल्टीप्लाई बाय नाइन इक्वल टू एटी वन, मतलब सेम नंबर को उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें स्क्वायर नंबर मिल जाता है। लास्ट का टेन मल्टीप्लाई बाय टेन इक्वल टू हंड्रेड। ऐसे ही आप आगे वाले नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट है ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर मतलब क्या होता है? अगर वन से हम कंटिन्यूअस नंबर की एडिशन करेंगे तो हमें ट्रायंगुलर नंबर मिल जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहले देखो, वन ट्रायंगुलर नंबर है। सेकंड क्या आएगा? वन प्लस टू इक्वल टू थ्री, ए ट्रायंगुलर नंबर है। बाद में वन प्लस टू प्लस थ्री इक्वल टू सिक्स, सिक्स भी ट्रायंगुलर नंबर है। बाद में वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर इक्वल टू टेन, तो यहाँ पे टेन भी ट्रायंगुलर नंबर है। ऐसे ही आपको एक एक नंबर ऐड करते हैं तो आपको ट्रायंगुलर नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। देखो, नेक्स्ट वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव इक्वल टू फिफ्टीन, तो यहाँ पे ट्रायंगुलर नंबर क्या आएगा? वन थ्री सिक्स टेन फिफ्टीन। मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? कंटिन्यूअस नंबर जो आते हैं उसकी एडिशन कर रहे हो वन से। सिर्फ हम यहाँ पे एक एक नंबर को यहाँ पे ऐड किया है तो आपको यहाँ पे ट्रायंगुलर नंबर मिल गए हैं। अभी यहाँ पे हम प्रॉब्लम सेट 53 में से क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द स्क्वायर नंबर्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। यहाँ पे आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, उसमें से आपको स्क्वायर नंबर कौन कौन से है ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो आंसर में देखो, स्क्वायर नंबर्स इक्वल टू, यहाँ पे फाइव स्क्वायर नंबर नहीं है, नाइन स्क्वायर नंबर है। नाइन देखो किसका स्क्वायर है? थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री इक्वल टू नाइन। ओके, अगर एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर नंबर हमें मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे नाइन स्क्वायर नंबर है। नेक्स्ट कौन है? ट्वेल्व स्क्वायर नंबर नहीं है, सिक्सटीन। सिक्सटीन देखो, फोर मल्टीप्लाई बाय फोर इक्वल टू सिक्सटीन, तो यहाँ पे लिखेंगे सिक्सटीन। नेक्स्ट, फिफ्टी स्क्वायर नंबर नहीं है, सिक्सटी भी स्क्वायर नंबर नहीं है, सिक्सटी फोर ए वाला स्क्वायर नंबर है। देखो अभी एट मल्टीप्लाई बाय एट इक्वल टू सिक्सटी फोर, एट एट जार सिक्सटी फोर, तो यहाँ पे सिक्सटी फोर। सेवेंटी टू स्क्वायर नंबर नहीं है, एटी भी स्क्वायर नंबर नहीं है, एटी वन देखो, एटी वन किसका स्क्वायर है? नाइन मल्टीप्लाई बाय नाइन इक्वल टू एटी वन। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन से स्क्वायर नंबर्स हैं? नाइन सिक्सटीन सिक्सटी फोर एंड एटी वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, विच आर द ट्रायंगुलर नंबर्स इन द गिवन लिस्ट। यहाँ पे कौन कौन से नंबर ट्रायंगुलर है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। वन से अगर कंटिन्यूअस नंबर की हम एडिशन करते हैं तो वो ट्रायंगुलर नंबर होता है। ठीक है, तो आंसर में ट्रायंगुलर नंबर्स
थ्री यहाँ पे ट्रायंगुलर नंबर है, देखो यहाँ पे 1 + 2 इक्वल टू 3 कंटिन्यू है, 1 और 2 है ना, और उनकी एडिशन देखो 3। बाद में नेक्स्ट नंबर यहाँ पे 6, 6 भी ट्रायंगुलर नंबर है क्योंकि 1 + 2 + 3 इक्वल टू क्या आता है 6, तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर होगा 6। उसके बाद 8 ट्रायंगुलर नंबर नहीं है, 9 भी ट्रायंगुलर नंबर नहीं है, 12 भी ट्रायंगुलर नंबर नहीं है, बाद में 15 भी ट्रायंगुलर नंबर है। देखो कैसे 1 + 2 + 3 + 4 अगर हम करते हैं तो क्या हमें मिलेगा यहाँ पे 10, क्योंकि सिर्फ हमने 1 + 2 + 3 इक्वल टू 6 आता है और उसमें 4 ऐड किया तो 10 आता है। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 1 to 4 यहाँ पे एडिशन आता है 10, उसमें सिर्फ 5 ऐड किया तो 15, तो यहाँ पे 15 ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर नंबर है। नेक्स्ट नंबर देखो 16 ट्रायंगुलर नंबर नहीं है, 20 ट्रायंगुलर नंबर नहीं है, 21 ट्रायंगुलर नंबर है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, देखो 1 to 5 एडिशन आ रही है 15, उसमें सिर्फ 6 ऐड करना है हमें तो क्या आता है 21, तो 21 भी ट्रायंगुलर नंबर है यहाँ पे, एंड 42 ट्रायंगुलर नंबर नहीं है। तो फाइनल आंसर आपका होगा ट्रायंगुलर नंबर्स इक्वल टू 3, 6, 15, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नेम ए नंबर विच इज़ स्क्वायर एज वेल एज ट्रायंगुलर। हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो स्क्वायर भी है एंड ट्रायंगुलर भी है। तो यहाँ पे हमें एक नंबर पता है 36, ओके, एक इसका स्क्वायर है 6 × 6, वी गेट 36, देखो तो 36 स्क्वायर नंबर हो गया। बाद में हमें वही ट्रायंगुलर नंबर है या नहीं है फाइंड आउट करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 इक्वल टू, देखो एडिशन करके 1 + 2 3, 3 + 3 9, 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28, 28 + 8 36, तो यहाँ पे 36 स्क्वायर नंबर भी है एंड ट्रायंगुलर नंबर भी है, तो फाइनल आपका आंसर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ 4 इज़ द फर्स्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ द 10th वन। अगर 4 फर्स्ट स्क्वायर नंबर है तो 10th वन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। 4 किसका स्क्वायर नंबर है, 2 का स्क्वायर क्या है 4 है, तो यहाँ पे पहले देखो हम लिखेंगे 2 × 2 = 4। अगर ये फर्स्ट स्क्वायर नंबर है तो 10th हमें फाइंड आउट करना है, तो कंटिन्यूस हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। अभी 2 के बाद 3, 3 × 3 9, ये हो गया सेकेंड स्क्वायर नंबर। बाद में 4 × 4 = 16, ये हो गया थर्ड स्क्वायर नंबर। 5 × 5 = 25, ये हो गया फोर्थ स्क्वायर नंबर। 6 × 6 = 36, फिफ्थ। 7 × 7 = 49, सिक्स्थ। 8 × 8 = 64, ये हो गया सेवेंथ। 9 × 9 = 81, ये हो गया एट्थ। 10 × 10 = 100, ये हो गया नाइन्थ। लास्ट में देखो 11 × 11, 11 को आपको 11 से ही मल्टीप्लाई करना है तो क्या आता है 121, ये हो गया 10th स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पे आप लिखोगे 121 इज़ द 10th स्क्वायर नंबर। 121 कैसे है देखो, एक बार मैं आपको मल्टीप्लिकेशन करके दिखाती हूँ। 11 × 11, 11 × 1 = 11, तो 1 यहाँ पे 1 कैरी होगा, 11 × 1 = 11, 11 + 1 = 12, तो देखो 121, ओके। एंड लास्ट में हमने आंसर लिखा है 121 इज़ द 10th स्क्वायर नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इफ 3 इज द फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर विच इज द 10th वन. तो यहाँ पे 3 हमें फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर दिया गया है. तो 3 देखो कैसे, 1 + 2 = 3. ओके, तो सेकेंड नंबर हम फाइंड आउट करेंगे, 1 + 2 + 3 = 6. ये उन्होंने फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर दिया है, तो सेकेंड वाला ए होगा. बाद में 1 + 2 + 3 + 4 = 10, ये थर्ड ट्रायंगुलर नंबर हुआ. 1 + 2 + 3 = 4 = 5. यहाँ पे देखो 1 to 4 एडिशन हमने ऑलरेडी यहाँ पे की है, सिर्फ 5 ऐड करेंगे हम, तो क्या होता है 15. तो ये हो गया फोर्थ ट्रायंगुलर नंबर. बाद में 1 + 2 + 3 + 4 = 5 = 6. तो 1 to 5 एडिशन यहाँ पे है, सिर्फ 6 को ऐड करना है, 6 + 15 = 21. तो ये हो गया फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर. नेक्स्ट देखो, अभी 1 + 2 + 3 + 4 = 5 = 6 = 7. 1 to 6 एडिशन यहाँ पे है 21, 7 ऐड करेंगे 28. तो ये हो गया सिक्स ट्रायंगुलर नंबर. नेक्स्ट देखो, 1 + 2 + 3 + 4 = 5 = 6 = 7 = 36. ये हो गया सेवेंथ ट्रायंगुलर नंबर. नेक्स्ट देखो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9. 36 में सिर्फ 9 ऐड करना है हमें, क्योंकि 1 to 8 यहाँ पे एडिशन दी गई है प्लस 9. तो यहाँ पे आता है 45. ये हो गया आपका एट ट्रायंगुलर नंबर. बाद में अभी 9 देखो, 1 + 2 + 3 + 4 = 5 = 6 = 7 = 8 = 9 = 10. यहाँ पे मैं नीचे लिखती हूँ, +10 = क्या आता है 45 में प्लस, आपको 45 में आपको सिर्फ 10 को ऐड करना है, 55. ये हो गया नाइन्थ ट्रायंगुलर नंबर. ओके, अभी लास्ट वन, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11. ओके, 1 to 10 यहाँ पे एडिशन कितनी हुई है 55. सिर्फ यहाँ पे 11 ऐड करना है 55 में, तो क्या आएगा 66. ये हो गया टेंथ ट्रायंगुलर नंबर. ओके, तो आंसर क्या आता है, 66 इज द टेंथ ट्रायंगुलर नंबर. ओके, तो फाइनल आंसर देखो, 66 इज द टेंथ ट्रायंगुलर नंबर. यहाँ पे प्रॉब्लम सेट 53 कंप्लीट हो चुका है. अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना. थैंक यू.